नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। विकासखंड दुदी के अंतर्गत ग्राम पंचायत जाता जुआ में बन रहा पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क निर्माण लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी में बनाया जा रहा है, जिसमें मानक के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। जैसे बस्ती की जगह पर मिट्टी धूल डालकर गिट्टी बिछा दिया है और लगभग 1.5 महीने के आसपास गिट्टी और धूल भस्सी डालकर छोड़ दिया है, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि रोलर अभी तक एक बार भी नहीं चलाया गया है और ना ही पानी डालकर कुटाई किया जा रहा है, जिससे धूल उड़ रहा है और यह लगभग 1 महीने से ऊपर गिट्टी और मिट्टी डालकर छोड़ दिया है। आइए जानते हैं ग्रामीणों से इस रोड की दुर्दशा क्या है, किस तरह से कार्य किया जा रहा है। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, जितेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत जाताजुआ में आए हुए हैं, जो कि मोहली कस्बे के अंदर में आता है और यहाँ से हमारा दुधी ब्लॉक क्षेत्र ब्लॉक लमसम 12 किलोमीटर है और यहाँ ग्राम पंचायत में पीडब्ल्यूडी के द्वारा काम हो रहा रोड का, जो कि इसमें भत्ती की जगह पर धूल वाला डाल रहा है, उसमें न कुटाई हो रहा है और न लोलर चल रहा है। अरे पूरा मिट्टी है उस तरफ गिरा है, तो मिट्टी मिट्टी। इसके साथ साथ और भी काम है, जो कि यहाँ कुछ ग्राम की जनता है, इन लोग से भी बात करते हैं कि क्या काम सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है, किस तरह से हो रहा है और कौन करा रहा है, इसके बारे में उन्हीं लोग से जानकारी लेते हैं। आइए मैं बात करता हूँ। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? बाबूलाल। अच्छा, आपके ग्राम पंचायत में जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा काम किया जा रहा है रोड का, वो किस तरह से काम किया जा रहा है? काम देखिए, जो गिट्टी पड़ा है, गिट्टी पड़ने के बाद उसमें तो पहले मिट्टी मिट्टी पड़ रहा है ऊपर। अच्छा, और दूसरे में रिंगवाल जो बना है, मिट्टी किनारे से बिल्कुल नहीं भरा है, पूरा खाली। अच्छा, खाली रिंगवाल यही है? यही रिंगवाल है और इसमें पूरा मिट्टी पड़ा, पूरा खाली है इसे। और दोस्तों, इस तरह से अगर टर्निंग भी है देखा जाए तो वहाँ उधर से टर्निंग भी है और बगल में माटी और पटरी, माटी दल के पटरी नहीं बनाया जाएगा तो एक्सीडेंट होने की भी संभावना बना तो 100% है, तो हो जाएगा, बना रहेगा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं अपने सरकार से? ये पटरी जो है से मट्टी भरे होना चाहिए जी। हाँ, नहीं मोड़ है ज़्यादा, देखिए उधर से गाड़ी आएगा तो जाना जाना है खाई में। अच्छा, इसमें तराई वगैरह पानी वानी गिरा रहे हैं? नहीं हुआ है, पानी तो बिल्कुल पड़ा ही नहीं है, पानी कहाँ। अच्छा, पानी कभी नहीं पड़ा है। लमसम कितने दिन हो गया इसको गिट्टी? डेढ़ दो महीना हो गया बाबा, कम से कम डेढ़ महीना। आपका नाम? मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो रोड बन रहा है इसके बारे में? माटी गिट्टी गिरना, देखिए रोड रोड जो हो गया 2 महीने नहीं बन रहा है, इसके बारे में बताइए। माने के साथ रोड तो सही बन रहा है, लेकिन मैं जो टर्निंग यहाँ जो है, ये रिनवाल है, रिनवाल में एक भी मिट्टी नहीं पड़ा हुआ है और अगर मिट्टी पड़ जाता तो कम से कम यहाँ 75-80 आदमी जो है व्रत करती हैं पुल के पास। यहाँ पे छठ का व्रत भी होता है? छठ का व्रत भी होता है, छठ के व्रत होता है। और हम लोग जो है चाह रहे हैं कि अगर मिट्टी पूर्ण रूप से अगर भरा जाता है इधर में, तो कम से कम लोग जो 150 यहाँ जो व्रत करती हैं, व्रत करते अच्छा से और जो है यहाँ जो घटना दुर्घटना जो है होने का पूर्ण रूप से 100% है, कम से कम वो अति मतलब वो रुक जाता है उस सब करने से। ठेकेदार से बात आप लोग पहुँचो है? नहीं, ठेकेदार से हम लोग तो सर कह ही रहे हैं कि ये जो है पूर्ण रूप से अगर भरा जाता तो और बढ़िया था, हम लोग बोले भी हैं। हाँ, हम लोग बात तैयार नहीं है, वो बोले कि देखिए हमारा जो है जितना मांग है हम उतना ही करेंगे। अच्छा, और मिट्टी बढ़िया रूप से कहाँ भराया है, अभी जाके कहाँ भराया है, अभी जाके पूर्ण रूप से देख लीजिए। हम हमारा गांव के चीज़ है, हम लोग तो चाहते हैं कि जितना बढ़िया से बढ़िया बन जाए उतना बढ़िया, अच्छा चीज़ है। ठेकेदार लोग बाहरी खाँच कराएंगे, कल निकल जाएंगे। ये मतलब ठेकेदार के द्वारा पीडब्ल्यूडी? हाँ, पीडब्ल्यूडी ही द्वारा 20 साल हो गया रोड बनवा, ठेकेदार को माध्यम से रोड निर्माण किया जा रहा है जी, और सही ढंग के काम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। अभी देखिए इधर में पानी पड़ा है, न कुटैया हुआ है, न तो बढ़िया से देख रहे हैं, इसमें बढ़िया जो है भक्सी भी बढ़िया पड़ रहा है। ये सर ये बताइए, ये भक्सी है माटी है सर जी, माटी है। अभी तो आप लोग सामने है, देख लीजिए क्या है, ये देखा जाए। देखिए आप लोग, तो मट्टी है, यह ले 20 साल यह रोड बन रहा है, देख ही रहे हैं कि सामने है मौके पर लोअर खड़ा करके दिखा दे के, हम लोअर खड़ा करते जतवा देते हैं। सामने पूरा मिट्टी है, वो चढ़ाई से आगे वहाँ मिट्टी, पूरा उधर मिट्टी मिट्टी है, घर तरफ चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी मिट्टी है। आगे चढ़ के देखिए, आगे वो जो महुआ का पेड़ है, चंपकल है, ये लमसम कितने दूरी का ये रोड बन रहा है? ये लगभग जो है 2.5 किलोमीटर के आसपास, 2.5 किलोमीटर चौड़ाई कितना बताए हैं? 375 बताए हैं।
375 और जय बोल रहे थे कि 1.5 मीटर पटरी है, 1.5 मीटर इस तरफ, 1.5 मीटर जी पटरी है, लेकिन ये बोल रहे थे कि 1 फीट रहेगा तो केवल सपोर्ट के, कोई दिक्कत नहीं होगा, काम चलेगा। इसमें सीसी रोड का निर्माण का है कि पक्की वर्क का है ना? जी जी, पट्टी तो चाहिए। हाँ पट्टी तो चाहिए। और ग्राम प्रधान वगैरह से बात हुआ है? ग्राम प्रधान लोग से तो बात होता ही है। तो ग्राम प्रधान इस रोड के बारे में क्या कहते हैं? वो तो चाहते हैं कि बन जाता तो और बढ़िया है, तो ये से उन लोग तो वो भी बोल रहे हैं कि पटरी भरना चाहिए और पट्टी भराएगा। हाँ, ग्राम प्रधान भी बोले हैं कि पटरी भराएगा। वो ठेकेदार से बात किए थे ग्राम प्रधान? प्रधान भी बोले हैं कि पटरी भराना चाहिए। ग्राम प्रधान क्या नाम है आपका? नंद कुमार। 1.5 मीटर x 1.5 मीटर दोनों तरफ से सर जी पटरी होना चाहिए, अब कहे थे वो। दोस्तों इस तरह से भारत सरकार का पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि सही ढंग से ग्रामीणों को कार्य दिया जा रहा है। और डेढ़ महीना हो गया गिट्टी मट्टी डाल के ऐसे छोड़ दिया है, इसमें ना लोलर चल रहा है ना पानी डाल के कुटिया किया जा रहा है, और तमाम तरह के हैं जो कि अभी देखिए वाल भी बना हुआ है रिंग वाल, उसमें भी पानी का स्रोत नहीं डाला गया है। पानी तो एक दिन भी डाला गया ना सर, तो कितने दिन बना हो गया पुल बनने का? लगभग महीना दिन हो गया। महीना दिन पानी उसमें एक दिन भी नहीं डाला? एक दिन नहीं पड़ा है, सूखले है आज तक। तरैया उसमें तो तरैया ये बिल्कुल नहीं हुआ है। तो यहाँ के जो ठेकेदार का मुंशी एमएट होंगे, उनसे आप लोग बात किए होंगे? प्रधानमंत्री है सर, हम लोग जो है प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्या नाम है आपका? हीरा लाल। तो कौन प्रधानमंत्री बन गए हैं? ठेकेदार है मुंशी, वो कहता है ना कि हम प्रधानमंत्री बन गए। हम बना दिए, अब तराई होगा चाहे मत हो, अब जो काम करना है हम करके चले जाएंगे, आप लोग सोचते रहिएगा। ठेकेदार का नाम वगैरह है कुछ पता है? नहीं सर, ठेकेदार को तो नाम पता नहीं है। मुंशी है? हम मुंशी के नाम मालूम है, अजय सिंह नाम उनका है। अजय सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया के। वो तो उधर बलिया तरफ के बाहर साइड के रहने, ठेकेदार अथी मुंशी दोनों बलिया के बाहरी के रहने वाले हैं। दोस्तों इस तरह आइए, एक दादा और आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि रोड किस तरह से बन रहा है और कैसा बन रहा है। अब दादा ही बताएंगे, बुजुर्ग आदमी है जो कि भाई। ये बताइए ये गिट्टी कितने दिन पीछे हो गया आपका? ये गिट्टी का बहुत दिन हो गया पीछे। अच्छा, इसमें कई दिन पानी इसमें डाला गया और लोलर कई दिन चला है? पानी है एक दिन झोंक झाक निकल है कि ये ढो जाए बा एको दिन है ना, ये पानी को नहीं एको दिन है, एको दिन है। लोलर इस पे चला है कि नहीं? लोलर पे घुमा लो, घुमा लो। और ये पीच वगैरह भी चालू कर दिया बनाने के लिए? नहीं, ये है तो नहीं से भाई, वो हर हो जाता। अच्छा, उधर पीच चालू हो गया है? हम नहीं देख ले, हम दो साल का बोला, हम नहीं देख रहे, देखे गए उधर नहीं देखे हैं। नहीं, हमें इसी पर से आइए इनसे ही बात करते हैं। अच्छा, ये गिट्टी भी बिछ गया, मोरन भी डल गया जी, और पेपर के हिसाब से कुटिया भी हो गया, अब बीच होने का कगार भी है। ये बताइए सर कि ऐसी कुटिया होता है, रोड ना है। अच्छा, अब ग्राम सभा का काम ना है सर जी, अगर ठेकेदार का काम करके चला जाएगा तो हम लोग चुतिया बन जाएंगे। अब भारत सरकार से आप क्या मांग करेंगे? कहीं मांग करेंगे कि हम लोग का ग्राम सभा में काम आ रहा है तो अच्छा होना चाहिए। दोस्तों इस तरह से सभी अधिकारी का आँख बंद है और इस पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि ठेकेदारी भी मतलब जेई भी इस पर मतलब जेई आए थे यहाँ। अब कमी बेसी है, वो मुंशी कह दिया कि नहीं अथी हम उसको वो भी नहीं हो पा रहा है। बताइए सर, पैसा जब सरकार दे रहा है काम अच्छा होना चाहिए ग्राम सभा में। दोस्तों इस तरह से कार्य किया जा रहा है, अब भारत सरकार को बदनाम करने के लिए हर ठेकेदार सर बदनाम नहीं कर रहा है, सर बदनाम नहीं कर लगे हुए हैं। ओरिजिनल सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो हमारा भारत सरकार का जो ओरिजिनल में खराब होगा। सोनभद्र से सोनभद्र से इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल स्टार 70 न्यूज को सब्सक्राइब करें।